एक स्टडी से हम पता लगा है कि रोज 100 से ज्यादा अधिक बच्चे सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे ऐसे 18 रूल्स जो हमें इन सड़क दुर्घटनाओं से बचाने में मदद देंगे। सबसे पहला है कि हम अपने सेफ्टी सिग्नल्स को अच्छी तरह से समझ लें। जो हरा सिग्नल है उसका मतलब है कि हम चल सकते हैं, लाल का मतलब है कि रुकना है, पीले का मतलब है कि हमें धीरे होना है। इसी तरह हमें हाथ के सिग्नलों को भी समझना चाहिए। हमें सड़क पार करते समय सावधान रहना चाहिए। हमें सड़क पार करने से पहले अपने दोनों तरफ देखना चाहिए और अगर कोई गाड़ी आ रही है तो हमें रुकना चाहिए। हमें चेतावनियों की तरफ सावधानी देनी चाहिए और अगर एम्बुलेंस आ जा रही हो तो हमें उसे पहले पहल देनी चाहिए। हमें भीड़ वाली सड़कों पर नहीं भागना चाहिए। हमें बच्चों को भी इसके प्रति सावधान करना चाहिए। हमें हमेशा साइड वाली पट्टी पर ही चलना चाहिए। बच्चे रात को खेलना पसंद करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों को चलते वाहन में सावधानी प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को साइकिल ध्यान से चलानी चाहिए। उन्हें हेलमेट पहनकर साइकिल चलानी चाहिए और यह अवश्य करना चाहिए कि साइकिल की ब्रेक अच्छी तरह से काम करती है या नहीं। उन्हें गाड़ी से चढ़ते या उतरते समय सावधानी देनी चाहिए। उन्हें सड़क पर चलते वक्त अधिक काम नहीं करने चाहिए। हमें बच्चों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में समझाना चाहिए। बच्चों को सड़क पर चलते वक्त ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमेशा सावधानी वाली जगह पर ही उतारना चाहिए। बच्चों को कभी भी गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आस पड़ोस वालों को भी बच्चों की सावधानी करनी चाहिए। हमें ट्रैफिक की दिशा को समझना चाहिए। हमें रेलवे के रूल को भी समझना चाहिए।